ग्रीन्स वाले में जो आज का टॉपिक है वो एक छोटे से फ्रूटिंग प्लांट पे है जो बहुत ही मीठा होता है और कलरफुल होता है और बहुत तेज़ी से ये प्लांट बहुत ग्रोथ करता है। मतलब फ्लावरिंग हुई और हार्डली 10 दिन के अंदर इसका फ्रूट बन जाता है। तो ये प्लांट जो है वो है चेरी का। तो आप मेरे हाथ में छोटा सा जो पॉट देख रहे हैं 3 इंच का है और ऊपर जो ये प्लांट देख रहे हैं आप देख रहे हैं चेरी का। ये छोटा प्लांट है इसलिए मैंने फ्लोर पे रख के इसकी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत नीचे जाना पड़ रहा है। तो अभी आप इसे देख रहे होंगे, देखिए ये बहुत छोटा सा प्लांट है बहुत छोटे से पॉट में और ये मेरे पास एक 7 इंच का पॉट है जिसमें एक और चेरी का प्लांट लगा हुआ हमारा। पर ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ऑनलाइन मंगाने पे मैंने उनको कहा था कि मुझे ग्राफ्टेड प्लांट या फिर एयर लेयरिंग वाला प्लांट चाहिए। तो अभी तक तो इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है और अभी मैं लोकल नर्सरी पे जाता रहता हूँ तो वहाँ लोकल नर्सरी पे मुझे ये चेरी का प्लांट दिख गया था और उस वक्त इस पर कोई फ्लावरिंग नहीं थी। मैंने देखी इसमें कोई अलग से मिट्टी भी नहीं डाली है, जिस मिट्टी में आया था उसी मिट्टी में ये अभी भी है। देखिए बिल्कुल वही चिकनी मिट्टी वाली, बिल्कुल ठोस मिट्टी है, बल्कि इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे पास अभी चेरी के 3 प्लांट है, 2 पे फ्लावरिंग वाले प्लांट थे क्योंकि मैं क्या करता हूँ जो ऐसे प्लांट होते जो रेयर होते बाद में मिले ना मिले तो मैं एक्स्ट्रा एक ले लेता हूँ, अगर मर भी गया तो कम से कम मेरे पास बैकअप प्लान है। और इसका भी कह नहीं सकते कि इस पर फ्लावरिंग होगी नहीं होगी, क्या पता है 20 से हो, पर मैं इसको रखूँगा अपने पास। अगर इससे कुछ फ्रूटिंग वगैरह भी नहीं हो तो कम से कम मैं इसका बॉन्साई बना लूँगा क्योंकि ये देखिए अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। देखिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसने की है। ये मेरे पास 1 साल से डोरमेंसी भी इसने अच्छे से झेली है और डोरमेंसी के बाद ये बाहर आ गया है, बाहर वो आया है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की। तो इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए क्योंकि एक झाड़ूनुमा प्लांट होता है, इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए और इसके अलावा इसको पानी भी बहुत चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ उनका जो वाटरिंग का जो कंडीशन है, मैंने और प्लांट को भी पानी देता हूँ, इनको भी देता हूँ, तो ये ज़्यादा सूखे में मिलते हैं यानी कि इनकी वाटर की नीड ज़्यादा है। और फ्रूटिंग जो आप देख रहे हैं सामने ही है, मैं इनको आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन से पक चुके हैं मेरे को। ये देखिए दोनों के दोनों मैंने आपके सामने ही तोड़े हैं। और ये जो मैंने सबसे पहले प्लांट जो देखा था, मैं कश्मीर गया था, कश्मीर में वहाँ पर जो राजा थे उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, उनके बाग में मैंने बहुत सारी चेरी देखी थी तो वो हमने वहाँ से तोड़ के खाई थी। तो ये सबसे पहले जो फ्रूट देखा था मैंने कश्मीर में ही देखा था, कश्मीर में नॉर्मली रोड साइड बिक रहा था, तब मुझे एहसास हुआ था कि चेरी का ऐसे ऐसे प्लांट होता है, तो तब मैंने इसको लिया था। तो फिलहाल ये प्लांट बहुत अच्छा है और ये कम से कम 2 बार फ्रूटिंग करता है। अभी इसकी जो कंडीशन आप देख रहे हैं, लीव ऐसे जल रही है कर रही है, तो ये वो इस वजह से क्योंकि मैं इसको पानी देता हूँ पर इसकी वाटर नीड ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी ऐसी कंडीशन हो रही है। अभी ये देखिए पॉट भी कोई टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है तो पानी का होल्डिंग जो है ना इक्विवेलेंट नहीं हो पाता, रूट इसकी एक्सपोज हो रखी है। मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं अपने घर में नए वाले घर में शिफ्ट होऊंगा ना तो एक ही बार इसे पॉट में दूंगा जगह क्योंकि अभी है ना बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे पास। आप एक मैं राउंड घुमाऊँ ना तो अंदाज़ा लीजिए, देखिए बिल्कुल जंगल हुआ पड़ा है मेरा घर। ये देखिए अब मैं जहाँ बैठा हूँ ना यहाँ पॉट नज़र ही नहीं आ रहा है, देखिए इतना घना हो चुका है कि आपको हटा हटा के अंदर देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है, कि कोई पीछे कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, कि देखिए ये कितना मतलब जंगल की तरह घना हो चुका है अंदर से ना। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपने प्लांट को अभी ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब शिफ्ट करना ही है, इनको डिस्टर्ब करना ही है इनके रूट को, तो मैं कम से कम एक बार ही मैं करूँ, बार बार नहीं, कभी पहले यहाँ डिस्टर्ब करूँ फिर वहाँ जाके डिस्टर्ब करूँ। तो इसलिए मैं जैसा है वैसे ही लगे दे रहा हूँ। बस क्या करता हूँ जैसे छोटे प्लांट है ना तो बड़े प्लांट की शेड में रखता हूँ। तो जैसे ये मेरा अभी एक अनार का पेड़ है तो मैंने इसे देखिए यहाँ पर रखा हुआ था जहाँ से मैंने उठाया, मैं गीली मिट्टी है तो वहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। उससे क्या है ना ये शेड में भी रहता है और उसको धूप में मिल जाती है। तो छोटे प्लांट को बचाने का और उसकी लॉन्ग लाइफ करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनको बड़े प्लांट की छाया में रखें। इससे होता क्या है कि उनको धूप उतनी ही मिलती है जितनी ज़रूरत होती है और जब ये मैच्योर हो जाते थोड़े तब ये इनको धूप में कितना मिलेगा, आप खुद सोचिए इतनी तेज़ धूप हो रही है अभी अभी अप्रैल में ही मई जैसा मौसम हो रहा है, तो उसमें मैं इस छोटे से प्लांट को डायरेक्ट धूप में रख दूँ तो उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। हो जाते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट धूप चाहिए होती है, पर अभी नहीं, अभी ये प्लांट छोटा है उस हिसाब से देखते रिस्क लेते हैं। अभी मेरा जो ये दूसरे वाला प्लांट है इसमें भी चेरी आती नहीं आती है। बाकी इसके लिए जो कंपोस्ट दिया जाता है वो नॉर्मल कंपोस्ट ही, ऐसे कुछ अलग से
मैं अलग से आपको कुछ बताऊं कि मैंने ये दिया वो दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सभी को गोबर खाद दी थी, इसको भी गोबर खाद दी थी, और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी शुरू हो रही है। देखिए जगह जगह नई नई ब्रांचेज आ रही हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। इसको मैंने कोई अभी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, थोड़ा बहुत इसको मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र दिया था, मुझे लगता है वो भी पानी के शावर से बाहर निकल के गिर गया है। मैंने सभी को दिया था, इसमें से गिर गया है। ये देखिए ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये केमिकल फर्टिलाइज़र के थे, पर अब पानी के शावर की वजह से ही उड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये आराम से। बस ये कि नहीं इसे टाइम टू टाइम पानी देना, और अब मैं इससे फ्रूटिंग नहीं लूँगा क्योंकि इसके इसमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो सकती है। फिर अभी तो बस मुझे चेक करना था कि ये प्लांट ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब मैं लगाया था फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, ये फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के 10 दिन के अंदर मात्र इसमें फ्रूटिंग हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्लांट, यानी कि मैं श्योर हूँ कि ये प्लांट बहुत सही है मेरा। बल्कि मेरे पास जो दूसरा चेरी का प्लांट है एक, और जो मैंने मैंने बताया था कि मैं लेके आया था, तो उस पर भी फ्रूटिंग नहीं हुई है, पर वो मुझे श्योर है कि वो दोनों, क्योंकि ये दोनों साथ के हैं, तो इसका मतलब ये है कि भैया इस पर फ्रूटिंग होनी ही होनी है। उस पर भी यही सेम कंडीशन है। अब होता है कि कोई जल्दी फ्रूटिंग कर देता है, कोई लेट फ्रूटिंग कर देता है। अभी इसका भी मुझे लगता है, देखिए लीजिए, आपसे बातें करते करते ही मुझे एक बहुत अच्छा हिंट मिला है अपने प्लांट पे। अभी मैं कह रहा था ना कि ये प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था और मुझे इस पर डाउट है कि इस पर फ्रूटिंग होगी नहीं होगी। देखिए यहाँ फ्लावरिंग हो रही है इस पर, यहाँ पर देखिए अब नीचे की तरफ काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा जो दूसरा ये बड़े वाला चेरी का प्लांट है, इस पर भी ये भी चेरी देने वाला है। इसका मतलब अभी मैंने, मतलब जस्ट मैंने इससे पहले हिंट नहीं किया था ना, मैंने ऑब्जर्व किया था। देखिए छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं, यानी कि मैं अब श्योर हूँ कि ये वाला प्लांट भी मेरा फ्लावरिंग करने वाला है। और ये तो बहुत अच्छी मैच्योर, देखिए इसकी इस टाइम देखिए कितनी मजबूत है। इसका मतलब मैं बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ। मेरे पास 3 प्लांट अब चेरी के हो चुके हैं। अब ये कौन सी वेरायटी, क्योंकि इसे मैंने बंगाल से मंगाया था, मुझे कुछ पता नहीं, ये लोकल नर्सरी से लिया है मैंने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।